हेलो दोस्तों, नमस्कार। चल रही है एनसीईआरटी पैटर्न पर भूगोल की तैयारी। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक पिछली पार्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू करेंगे। ये पार्ट टू है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो पिछले प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, या फिर वीडियो के अंत में वो लिंक रहेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त है। और साथ ही दबा दें बेल आइकॉन यानी घंटी, जिससे कि आपको अगला पार्ट जब कभी आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, 5.0 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष, या फिर 3.6 अरब वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 4.6 अरब वर्ष। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट? तो सही जवाब है निकेल। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन? सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो सही जवाब है 29%, 39%, 31% या फिर 41%। तो आपका जो सही जवाब है वो है 29%, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर और बेसाल्ट? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कायांत्रिक चट्टान। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है संगमरमर। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है? भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है भूकंप अधिकेंद्र। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो ज़्यादा कंफ्यूज किए बिना मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, परी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या फिर ताप? तो सही जवाब है भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, इक्वेडोर, कोस्टारिका, पेरू? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है इक्वेडोर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस, नदियां? तो सही जवाब है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना, इटली, फ्यूजियामा, जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोवा, मलेशिया? तो सही जवाब है क्राकाटोवा मलेशिया सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ओके, रॉकीज, एंडीज, एटलस, ऑल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या फिर ज्वालामुखी? तो सही जवाब है वलित पर्वत है ये सब। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर तिब्बत? तो सही जवाब है नेपाल। लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत, पवनकृत? तो सही जवाब है पवनकृत, डी ऑप्शन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडो का पठार या फिर बोलीविया का पठार?
तो सही जवाब है तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड? तो सही जवाब है फिनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर, कैस्पियन, बैकॉल, विक्टोरिया? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सुपीरियर, और अगर खारे पानी की झील की बात किया जाए तो कैस्पियन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोयोमा, स्टैनली, एंजिल या फिर नियाग्रा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है एंजिल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? नो डाउट विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक? तो जो सही जवाब है वह प्रशांत महासागर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 29, 65? तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ 29% पर स्थल है, तो 71% पर जलमंडल होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। सबसे लवणीय सागर है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? तो सही जवाब है मृत सागर। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत व म्यांमार? तो सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि तोड़ती है? सही जवाब है जिब्राल्टर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद, अटलांटिक एवं हिंद महासागर? तो सही जवाब है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान जवाब है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है, और इसका जो जवाब है भूमध्य सागर को लाल सागर से, सी ऑप्शन। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? लेब्रेडोर, ठंडी जलधारा, अंगुलहास गर्भ, क्यूरियसियो गर्भ, गल्फ स्ट्रीम ठंडी? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है गल्फ स्ट्रीम ठंडी नहीं बल्कि गर्म जलधारा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या उत्तरी सागर? सही जवाब है फंडी की खाड़ी, बी ऑप्शन सही है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर महासागर? तो सही जवाब है चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंध, नर्मदा, गंगा? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है नर्मदा। और ये था दोस्तों 72 क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं एनसीईआरटी पैटर्न भूगोल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इसके आगे के वीडियो भी आपको मिलें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको सारे वीडियो टाइम से मिलते रहें। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।